स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग टर्म वन में जो क्वेश्चंस आया था मैथ्स का, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो क्या है, समझिए। व्हाट शुड बी एडेड टू 6 ऑल 3 बाई 4 टू गेट इतना, मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए कि 9 आ जाए। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 ऑल 3 बाई 4 में क्या जोड़ा जाए कि इतना आ जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, मतलब 6 ऑल 3 बाई 4 में क्या जोड़े कि 9 आएगा। 6 ऑल 3 बाई 4 में क्या प्लस किया जाए ताकि 9 आ जाए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, मतलब इसमें क्या जोड़ना चाहिए ताकि आंसर 9 आ जाए। तो मान लेते हैं कि इसमें x जोड़ना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए x। तो लिखेंगे let द रिक्वायर्ड नंबर बी x, let द रिक्वायर्ड नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा बोलो। 4 6 24 27 बाई 4 हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 9। ठीक, अब यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 27 बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा x इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, इसके नीचे 1 है तो 4 1 का टेबल है 4 बार में आएगा 4 9 36 हो जाएगा -27। ठीक है, देखिए क्या किया इसमें, 9 के नीचे तो ऑलरेडी 1 हिडन रहता है ये सबको पता है, तो 1 और 4 का एलसीएम 4, अब 4 1 का टेबल में 4 बार में आएगा तो 4 1 का टेबल में 4 बार में आएगा, 4 को 9 से इंटू करेंगे 36 होगा। अब देखो 4 4 का टेबल में कितना बार में आएगा, एक बार में आएगा तो 1 को 27 से इंटू कर देंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस कर दो 16 इधर हो जाएगा, 16 में 7 तो 9, तो 9 बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से कैरी ले लिए तो 16 हो गया, 16 में 7 तो 9 हो गया, अब 2 में 2 तो 0 हो जाएगा, मतलब 9 बाई 4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट 5 इक्विवेलेंट, देखो क्या दिया हुआ, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों के लिए 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने के लिए ऑलरेडी हमने पहले आपको सिखा चुका है, देखो कैसे लिखा जाता है, किसका 5/7 है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है। तो बहुत आसान तरीका, आप क्या कीजिए इसको एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने का आसान तरीका है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से इंटू कर दीजिए। जैसे देखिए अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको 2 से इंटू कर रहे हैं, इसको भी 2 से, तो कितना आ गया 10, 5 2 10 है ना, और 7 2 14 10/14 हो गया। फिर देखिए 5/7 है, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, तो 15/21 हो गया। फिर देखो इसको भी 4 से, 5 को भी 4 से, और इसको भी 4 से, तो 20/28 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो 5/7 है, दोनों को 5 से इंटू कर दो, तो 5 5 25 7 5 35 हो जाएगा। फिर देखो 5/7 है, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, तो 5 6 30 और 7 6 42 आ गया। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीके से हमने इसको निकाला। ठीक, और लास्ट में लिख देंगे हेंस 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, क्या क्या हो जाएगा बोलिए, एक हो गया 10/14, एक हो जाएगा आपका 15/21, फिर हो गया 20/28, फिर हो जाएगा 25/35 एंड 30/42। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये जो हमारा इसका सेकेंड जो बी पार्ट है, जिसमें हमारा 7/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना, ये आपको खुद बना के हमें कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप समझ रहे हैं, तो एक बार तो लाइक तो बनता ही है। ठीक है, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। इस क्वेश्चन में क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। देखो क्या दिया हुआ, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं। देखिए ये क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसमें ये हमारा क्या होगा, ये तो पता है, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ब्रेथ है। क्या है, ब्रेथ है। ठीक, तो क्वेश्चन में है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब जो लेंथ जो है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से, ब्रेथ से कितना मीटर ज्यादा है, कितना मीटर ज्यादा, 2 मीटर मोर है, ज्यादा है। देखो क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब ये जो लेंथ है, लेंथ लेंथ ब्रेथ से 2 मीटर ज्यादा। तो ब्रेथ को अगर हम एक्स मीटर मान लें, एक्स मीटर अगर हम मान ले ब्रेथ को एक्स मीटर, तो लेंथ कितना होगा, 2 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ हमारा एक्स प्लस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर ज्यादा है। ठीक, और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर जो हमारा है वो 32 मीटर है, तो फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया क्या होगा ये खोजना। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 मीटर। हो गया, अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया, ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ नहीं पेरीमीटर दिया हुआ, जो कि हमारा कितना है, 32 मीटर। तो लिखेंगे नाउ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 32 मीटर, ये दिया हुआ। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 32। तो ये 2 हो गया, लेंथ हमारा कितना, लेंथ हमारा x प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस ब्रेथ हमारा कितना, x इज इक्वल टू 32 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, चाहो तो ये 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x प्लस 2 प्लस x बचा, तो x x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा 16 है। ठीक है, 2 को उस तरफ ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 16, प्लस 2 है उधर जाएगा तो माइनस 2 हो गया, तो 2x इक्वल टू 16 में 2 माइनस कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो x जो हमारा आ जाएगा वो 14, ये इंटू में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x हमारा 7, मतलब x इक्वल टू 7 मीटर आ गया। ठीक है, x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, अब हम लोग को क्या फाइंड करना था, x हमारा यहाँ पे 7 आ गया, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको निकाल सकते हैं, या तो फिर हम लोग लेंथ और ब्रेथ करके भी निकाल सकते हैं। चलिए लेंथ और ब्रेथ करके ही निकाल देते हैं, है ना। ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स कितना, 7 मीटर हो जाएगा। और लेंथ जो हमारा है वो है एक्स प्लस 2, मतलब 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 9 मीटर आ गया। ठीक है, तो हमारा लेंथ और ब्रेथ निकल गया। एक्स हमारा कितना था, 7 था, प्लस 2 है तो 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक, अब हमको एरिया निकालना है, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा
9 है और ब्रेथ हमारा 7 है, तो 9 7 63 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। ठीक, चलो और इसका जो ये तो इस वीडियो में हमने अभी तक ए बी और सी देखा है। ठीक है, इसके बाद भी हम यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।